हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आज जा रहे हैं कन्या मंदिर। तो कल तो मैंने हल्का फुल्का आपको दिखाया पार्टी का, बट ज़्यादा मैंने ले नहीं पाई थी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का भी इशू रहता है, तो डांस वगैरह का वीडियो मैंने डाला नहीं। तो अब हम जा रहे हैं गर्जिया को नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। कल शाम हम यहीं रुके थे, यहीं कृष्णा गार्डन पे। हम भी रेडी हो चुकी हैं यहाँ पे, एक ही करके पहुँचा। हाँ, और यहाँ पर मोनिका बैठी है और वहाँ चल रहा मेरे भैया का काम, ऑफिस है भैया का, तो हम जा रहे हैं। और श्यांत फोन मांग रहा है। ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर की ओर, हम जाने लग गए। और सामने से है गाड़ी हमारी, वहाँ पे रोकी है। तो आगे मोनी और मोनिका जाने लग गए हैं। मोनू एंड मोनिका, मम्मी और श्रेयांस, और बाकी आगे चले गए। दिखाती हूँ आपको, पापा और हस्बैंड जी चले गए हैं आगे को। और ये भैया आ रहे हैं मेरे फोटो खिंचाने के लिए। तो गाइस फाइनली फोटोज वगैरह हमने खिंचा ली है, अब हम जाने लग गए हैं नीचे। यहाँ से प्रसाद लेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। अब ये यहाँ पे खोलने लग गए जूते वगैरह। तो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे टेंट जैसे बना रखे हैं, देखो इनमें ना प्रसाद वगैरह रखा है इन लोगों ने। तो आने वाले ना यहीं से प्रसाद लेते हैं। तो हम ऊपर से उतर के नीचे आ गए हैं, अब जाते हैं फिर मंदिर की सीढ़ियों में। हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर की सीढ़ियों में अब। पहुंचने वाले हैं हम लोग। और ये मोनिका और मोनू भी आ रहे हैं। जय माता दी। तो नीचे से हम आ गए हैं वहां से, ऐसे वहां से आते हुए इतनी सीढ़ियां हमने चढ़ ली है, थोड़ा बहुत और है। तो अब हम जाते हैं ऊपर को, पहुंचने ही वाले हैं। देखो ऊपर टॉप में है ना, इतना ही जाना है अब हमें। तो टॉप से जो व्यू है नीचे का ये है इस प्रकार से। ये देखिए पहाड़ दिख रहे हैं और यहाँ से दिख रही है नदी। तो दोनों नदी जो है डिवाइड हो रखी है, मंदिर बीच में है। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही सुंदर दृश्य। ओम श्री गिरजा देवी नमः। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर पे। ये श्रेयांस और हस्बैंड चले गए हैं आगे को, मैं हूँ पीछे। जय माता दी, जय माता। अब मोनिका और मोनू जाने लगते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी कर रहे हैं अभी पूजा, देख सकते हैं आप लोग। और श्रेयांस कैसे बैठा है उनके साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो माता के दर्शन मैंने आप लोगों को भी करा दिए हैं, आप लोग भी हाथ जोड़िए और माता से आशीर्वाद लीजिए। तो अब हम जाने लग गए हैं नीचे की ओर, दर्शन करके आ गए हैं। अब मम्मी पापा भी आ रहे हैं, मोनू मोनी नहीं आए अभी। तो यहाँ से देखिए गाइस इतना सुंदर मौसम हो रखा है, अभी सुबह का ही टाइम है। तो पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है, एक बार पहले दिखा चुकी हूँ बट यहाँ से भी और अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। और ये नदी, आजकल नदी ज़्यादा आई नहीं है ना क्योंकि जनवरी का महीना है, तो पता ही है आप लोगों को कि पानी। ओम जय गिरजाए नमो नमः। तो इतनी शांति हमें यहाँ के मिली, इतना अच्छा लग रहा है। आ गए हैं ऊपर से मोनिका और मोनू भी।
सोम, मोनिका, मोनू भी आ चुके हैं। और ऊपर मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम टॉप में। आगे लेट क्यों हुआ? नहीं वो ना हम पंडित जी ने पूजा की ना तो लेट हो गया। अच्छा, अच्छे से पूजा करा के आए मतलब। चलो अच्छा है। हम जाने लग गए हैं गुफा मंदिर की ओर, तो ऊपर से तो दर्शन करके हम आ गए हैं, अब ये चले हम गुफा मंदिर की ओर। ये है गुफा मंदिर, यहाँ जाते हैं अब हम। गुफा मंदिर देखिए, हम पहुँच चुके हैं अंदर गुफा मंदिर में। ये गुफा है, गुफा की पहुँच चुके हैं अब हम नदी में। थोड़ी नदी में हो जाए मस्ती, थोड़ा मौज मस्ती की जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया ने लगा रखी है चश्मों की शॉप। यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है और मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ नदी का कलकल करता हुआ पानी जा रहा है। ऊपर से पता है बहुत कम दिख रहा था ये पानी, लेकिन यहाँ पे आके एकदम तेज सा लग रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ है भैरवनाथ जी का मंदिर। मम्मी मैं मोनिका जा रहे, पापा लोग वहाँ वो उधर साइड में बैठ गए हैं, क्योंकि वो लोग मोनू तो कल ही गए हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और पापा भी गए हैं, तो हम ही लोग चढ़ा के आते हैं वहाँ पे प्रसाद। और ये टॉप में देखो माँ का मंदिर, इतना मस्त लग रहा है यहाँ पर से। और पूरे अगल बगल यहाँ से टॉप में दिख रहा है मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और यहाँ पे कल कल करती नदी, और मम्मी कुछ बता रही मोनिका को। मम्मी मोनिका को क्या बता रही, मेरे को बता दे। और पापा लोग वो उधर साइड में खड़े हैं, क्योंकि मोनू तो कल आए हुए थे, पापा नहीं आए यहाँ। पापा भी आए हैं तो पापा ने बोला कि प्रसाद चढ़ाओ तुम लोग, तो हम जा रहे हैं तीन लोग। यहाँ पर से व्यू बहुत मस्त आ रहा पता है। और यहाँ पे एक ताल बना हुआ है, ये बहुत गहरा है पता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे खतरा करके, क्योंकि सारा पानी यहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है ना। तो इधर को भी है एक मंदिर, और ये है भैरव बाबा का मंदिर। ओम जय भैरव नाथाई, नमो नमः, जय भैरव बाबा। क्योंकि माँ के मंदिर के साथ भैरव नाथ जी का मंदिर भी होता है। तो देखिए मोनिका और मम्मी की होने लगी है यहाँ पे पूजा। कहा ना ये उन्होंने ही रोका है मैया रानी को, जो ये वाले भगवान जी ने। हाँ तो मैया रानी आई थी, उन्होंने रोका था कि रुको माँ रुको करके, सब आदमियों ने उठ के मंदिर ही देखा है मतलब ये। हाँ तो यहाँ पे ये टीला बह के एक बार, जो पूरा टीला बह के आया था, ये भैरव देवता का मंदिर है जो सामने। हाँ ये भैरव देवता ने इस माता के मंदिर को रोका, तो ये भैरव देवता का मंदिर है। और मम्मी बता रही है कि ये टीला बह के आया था, तो यहाँ पे ये भैरवनाथ जी ने यहाँ पे रोका था, माँ रुको करके, तो ये यहाँ पे रुक गई थी। तब से माता रानी तो स्थापित, हाँ तब से माता रानी यहीं पे स्थापित हो चुकी है। तो मॉर्निंग में देखा यहाँ पे सबने कि हाँ, तो कोई मंदिर बह के यहाँ पर, तो गांव वालों ने सुबह देखा कि कोई मंदिर यहाँ पे आके रुक गया है करके। तो देखिए कितना सुंदर, मन खुश हो गया यहाँ आके। तो अब हम जाते हैं नीचे की ओर, बस चलो को देखो ये, इनको नदी इतनी पसंद है ना, नदी में मस्ती करने लग गए। ये लोग जाने लग गए हैं नदी में मस्ती करने के लिए। ये मोनू चले गए हैं, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है इनका। ये यहाँ पे मेरा श्रेयांश भी अब पानी में खेलने लग गया है। शॉपिंग दिखाओ मोनू, कौन सा पसंद कर रहे हो तुम? तो मोनू ये वाला पसंद कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर से ले लिया है श्रेयांश के लिए। श्रेयांश
ये पहन भी लिया है मेरे हीरो ने, देखा आपने, ले लिया है ये वाला। तो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, मोनू देख रहे हैं कैसा लग रहा है करके। अच्छा लग रहा है, हम तो बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, मोनू अच्छा लग रहा है। चलो इसी को लास्ट करो। और अब हम जाने लग गए हैं घर की ओर, घर की नहीं मतलब हनुमान धाम की ओर। यहाँ से हमने खरीद लिया है सिंदूर वगैरह और सोम ने लिए गाड़ी, तो अब हम जाते हैं आगे को बढ़ते हैं। हाँ सोम बोलो, चलो चलो अब मार्केट से लेंगे बेटा। और यहाँ पे हो रही है मोनू और मोनी की शॉपिंग हमारी। मोनी का क्या ले रही है, तो बैठ जाओ बाबू। हाँ हाँ दुकान में ना वो किया हमने सामान वगैरह लिया। हाँ दिखा तो मोनिका कैसी बना रखी है फोटो, फोटोज भी आ गई है हमारी। मोनिका दिखा, ये जो फोटो सेशन कराया था हमने, फोटोज भी आ गई है और हमारे हमने भी चाहिए हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ हनुमान जाके, धाम जाके इधर श्री लो देखो। कार्बेट का जंगल, तो अब हम खाते हैं खाना और गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, जाने लग गए हैं खाना खाने के लिए, उतर चुके हैं हम, आते हैं अब खाना खा के जाने लग गए हैं। चले गए हैं यहाँ खाना खाने के लिए, एक जगह हम बर्गर वगैरह खा के आ चुके हैं, बट अब हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। तो सुबह से भूख भी लग गई थी, इन लोगों ने हल्का फुल्का खाया बर्गर वगैरह उस रेस्टोरेंट में, अब दूसरे में आ गए हैं और लग चुका है खाना, खाते हैं खाना हम लोग। अभी यार की सब्जी और रोटी आएंगी, उसके बाद रोटियां आ गई क्या, अभी रोटी नहीं आई, दाल दाल और सब्जी आ चुकी है, चावल और रोटी आनी है। तो खाते हैं खाना फिर जाते हैं यहाँ से। खाना वाना खा के उठ चुके हैं हम लोग, अब जाने लग गए हैं, हम भी रेडी हो गए हैं यहाँ पे, तो जाते हैं यहाँ से। खाना खा के निकल चुके हैं हम अब हनुमान धाम की ओर,
ये कोसी बैराज पहुंच गए हैं। आगे पुल दिख रहा सामने, हाँ सामने दिख रहा वही है कोसी बैराज। तो मिलते हैं आप लोगों से हनुमान धाम जाके, पहुंचने वाले हैं अब हम हनुमान धाम। दिख भी रहा है थोड़ा। पहुंच चुके हैं हम हनुमान धाम और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। हाँ ये आ चुके हैं सुयांश को पहना रहे पापा चश्मा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो इस साइड को भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बन रहा है ये। इसको बंद कर लीजिए। यहाँ पे है मन्नत बांधने वाला, तो बांध दी हमने। एक तागा मिला हुआ था हमें, यहाँ पे बांधना था वो। अब हम करेंगे यहाँ पे परिक्रमा। और हनुमान धाम में भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो ये है मंदिर, मैंने दिखा दिया था आप लोगों को पहले। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, अब जाते हैं नैनीहाल। तो मिलते हैं। तो काफी भीड़ भाड़ हो रखी है यहाँ पे आज, बहुत रश है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। मस्त लग रहा तो मौसम ने सबसे ज्यादा साथ दिया है ना, मतलब जनवरी के महीने में ना घूमने फिरने का आनंद ही कुछ और है। अभी कर ही भी मतलब गर्मी नहीं हुई रहती है। तो अब पहनते हैं हम लोग जूते और निकलते हैं नानी के घर की ओर। वेट कर रहे हैं वहाँ मामा लोग हमारा। पहुंच चुके हैं हम गाड़ी की ओर और हमारा सामान देखिए आप। अब बैठते हैं अब। और हम आ गए हैं अब नैनीहाल। सामान उतार दिया सारा हमने, अपने बैग वगैरह उतार के लगा दिए हैं ढेर यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग कितने बैगों का लग गया। और मेरे भाई ने उतारे सारे बैग। ये है मामी, मिलाती हूँ अपनी नानी से मैं। नानी यहाँ देखो जरा। ये नानी, ओ मामी। श्रेयांश आ जा। और गपशप हो चुकी है पूरी, वहाँ पर पापा और वो बैठे हैं। अब हम जाने लग गए उधर को देखने के लिए। मम्मी और मामी उधर को गई हुई हैं और नानी मामा को कह रही हैं कि टमाटर देख लो थोड़ा बहुत तोड़ने हैं। अब कल मजदूर लगाएंगे मामा लोग, फिर तोड़ेंगे टमाटर। और ये बच्चों ने अपने अपनी जोड़ी पकड़ ली है। और ये हमारे नानी घर से सीधे नहर जाती है, इतनी मस्त। अभी तो इसमें बहुत कम पानी है, ये फुल पूरी नहर जाती है। और मस्त मस्त हो रखा लहसुन और उधर को धनिया।
तो दिखाती हूँ मैं आप मम्मी लोग कहाँ गए करके। वाह हरे भरे गेहूं, मोनी मोनी का वो उधर चले गए हैं और सामने से सोम भी चले गया है और हम जाते हैं। ये मम्मी मम्मी आते ही वो उधर पहुंच गई, देखते हैं वहां जाके क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे है हमारा आम का पेड़। वाह इसे देख के तो मन खुश हो गया, गेहूं एकदम हरे भरे। और हम आ गए हैं यहाँ पे गन्ना खाने के लिए। श्रेयांश खाने लग गया है, मोनू भी खा रहे हैं और मोनिका वहां से लेके आ रही। और सामने से जो आपको येलो येलो सा दिख रहा है वो है बंद गोभी। और मामी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मामा ने हमारे दो गोभी तोड़े और ले गए हैं। वाव कितनी गोभियां हो रखी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग खेत में। यहाँ पे इसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है यार, इतने हो रखे है ना। अब हम चलते हैं गुरुद्वारे की ओर। हरे भरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ। और अब ये है मामा लोगों का दूसरा मकान। हम आ चुके हैं यहाँ पे। और ये है मामा की शॉप यहाँ पे। और हम आ गए हैं मामा की शॉप पे। हैं? हाँ अरे क्यों नहीं है? तो अब हम टहलने लग गए हैं। ये है गुरुद्वारा, अब हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि टाइम हो चुका है, हमने लेट कर दी। तो पहले हमारा प्लान था वहाँ जाने का बट हो गई है लेट, बंद हो चुका है। मोनी का पकड़ना उसको और एकदम किनारे में आ जा रहा, डर भी लग रही ना यहाँ पे। खूब मजे कर रहा है मेरे नानी घर। और सामने से और सामने दिख रहा घर हमारा नानी का। तो मुझे लग रहा कल भी यहाँ कोहरा लगने वाला है क्योंकि हल्का सा कोहरा दिखने लग गया, शाम का टाइम है, कोहरा भी दिखने लग गया है यहाँ से अभी हल्का फुल्का। और उठ गए हैं हम लोग और मोनिका और मोनू की पूजा हो रही है क्योंकि मैंने कर ली पूजा, अब कर रहे हैं मोनिका और मोनू। यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है दोनों, तो इन्होंने पूजा पाठ कर ली है और यहाँ पर हस्बैंड भी तैयारी करने लग गए हैं और नानी अभी बैठी है और हमारी भी तैयारी हो रही है अभी घर जाने के लिए, कर रहे हैं धीरे धीरे। नानी झाड़ू नो झाड़ू नोगे है ना। अच्छा जब तुम मुझको बुला था ना हो ये चीज़ कॉली नहीं सुना। अच्छा तुम खापा ईशान को गर्म। अच्छा हो इतने अन्याला हरानी है तबला नहीं देखीन। हो यहाँ पे नानी बैठी हुई है और मामी भी जो रहा, मामा जी भी खाना खा के आ चुके हैं बाहर को और मामी ले जा रहे हैं खाना अंदर को। मामी बहुत काम हो गया क्या? पापा मामा इन्होंने खाना खा लिया है और ये बच्चे यहाँ पे टहलने लग गए हैं यहाँ पे यहाँ पे। हाँ पापा कैसे आपको देख के थैंक यू पापा। हाँ बड़े मामा आपको खाना खा लिया हमने खाना ठीक है पापा ने खा लिया खाना। तो निकलते हैं हम लोग, तो मिलते हैं आपसे अब घर जाके, तब तक के लिए बाय बाय, घर जाके मिलेंगे। और हम पहुंच चुके हैं अब ठहरना, चाय पानी पी निकले बैठे हैं यहाँ पे। अक्षय आ जाओ बेटा। और पहुंच चुके हैं हम घर, घर आके बन गई है हमारी चाय, पीते हैं चाय। तो तब तक के लिए बाय बाय।